हम बात करेंगे आज महेंद्र की देवता फील्ड की, ठीक है जी। महेंद्र की देवता फील्ड E4 की एनर्जी फील्ड है, ईस्ट में आती है। महेंद्र की देवता फील्ड ईस्टर्न डायरेक्शन की एनर्जी फील्ड है। महेंद्र को जो है गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ रेन भी बोला जाता है। महेंद्र को चारों जो हमारे वो हैं बीन कॉल्ड एनर्जीज हैं, चारों आकाश जिसको बोलते हैं या फोर हेवंस जिसको बोलते हैं, उसका कमांडर ऑफ चीफ से भी डिनोट किया जाता है महेंद्र को। महेंद्र की ऊर्जाओं को ऐसा माना जाता है कि महेंद्र की ऊर्जाएं वास्तु पुरुष मंडल की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट देवता फील्ड है। महेंद्र के साथ दो देवता फील्ड और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मानी जाती है वो वरुण की देवता फील्ड और यम की देवता फील्ड मानी जाती है, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो महेंद्र की देवता फील्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पावरफुल देवता फील्ड कंसिडर की जाती है। महेंद्र को किंग ऑफ द कॉर्ड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। महेंद्र का हथियार जो है वज माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि महेंद्र जो है एरावत नामक हाथी पर सवार होके चलते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये महेंद्र की देवता फील्ड की कुछ विशेषता है। महेंद्र इज कंसिडर टू बी द लॉर्ड ऑफ हेवंस। महेंद्र इज कंसिडर टू बी द लॉर्ड ऑफ हेवंस, और ऐसा माना गया कि महेंद्र कभी भी किसी चीज में समझौता नहीं करते। महेंद्र को सर्वश्रेष्ठ चीजें ही पसंद है, वो किसी चीज से समझौता करने के आदि नहीं है। ही इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो महेंद्र को किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है। ही इज नॉट डूइंग समझौता टू एनी लेस। दिस एनर्जी फील्ड रिलेट्स टू द बेस्ट, नथिंग लेस देन बेस्ट। सबसे अच्छा चाहिए, सभी लाभ चाहिए। इसके साथ आने के लिए मतलब जो ऊर्जाएं हैं वो उसके साथ आने के लिए ऐसे कनेक्ट होती हैं जो कि बेस्ट होती हैं ऊर्जाएं। ठीक है, दिस इज द एनर्जी फील्ड कंसिडर टू बी द एसोसिएटेड विद पीपल एंड डेवलपिंग एसोसिएशन। लोगों का समूह, लोगों की ऊर्जाएं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, लोगों के साथ नेटवर्किंग, ये एनर्जी फील्ड लोगों को साथ इन्फ्लुएंस, डेवलपिंग पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का झुंड, लोगों का समूह इस देवता फील्ड से कनेक्ट करता है। क्योंकि महेंद्र एक राजा है और राजा एक आकाशी मंडल या एक क्या बोलते हैं वैकुंठ के राजा माने जाते हैं, तो वहां पे राजा को हर लोग चाहिए। राजा को पूरा पूरा समूह चाहिए, पूरा पूरा लाइक कंप्लीट पीपल, कंप्लीट लोग, बड़ा साम्राज्य, बड़ी सेवा, बड़ी चीजें, ये राजा का एटीट्यूड होता। तो दिस देवता फील्ड कंसिडर टू बी दी फील्ड ऑफ पीपल, कनेक्टिंग पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये देवता फील्ड अगर बैलेंस होती है तो पावरफुल कनेक्शन बनाती है। ये देवता फील्ड अगर बैलेंस होती है तो पावरफुल कनेक्शन आती है, और जिसके माध्यम से मनी अबंडेंस कंफर्ट को प्रदान करने में हेल्प होती है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्र की देवता फील्ड जो है एक प्रकार की सिंबॉलिक देवता फील्ड ऐसे है कि उनका जो सिंहासन है, उनकी जो गद्दी है वो अपने आप में, क्योंकि वो राजा की गद्दी है, वो तो वो गद्दी जो है उसी को महेंद्र या सिंबॉलिक तरीके से महेंद्र माना जाता है कि वो गद्दी महेंद्र है या उस पर बैठने वाला शासक भी महेंद्र है, ऐसा माना जाता है। बिकॉज ही इज ए किंग एंड द गद्दी डिनोट्स टू द किंग। ऐसा माना जाता है कि उस सिंहासन की वैल्यू जो है एक इंसान अकेला नहीं है, उस सिंहासन की वैल्यू जो है पूरा एक ब्रह्मांड की तरह से मानी जाती है, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ द लॉर्ड्स, इज द गॉड ऑफ द लॉर्ड्स, और सॉरी इज द लीडर ऑफ द लॉर्ड्स, इज द मतलब जैसे देवताओं का किंग ऑफ द लॉर्ड्स, किंग ऑफ द गॉड्स, तो ऐसा माना जाता है। तो वो पूरे समूह के माफिक माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखें तो यहाँ का जो प्लैनेट है वो सूर्य है, जिसकी की एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या गवर्नमेंट की पावर सबसे स्ट्रांग मानी गई है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज आर हाईएस्ट।
माना गया कि महेंद्र को गॉड ऑफ थंडर और रेंज तो मैंने बताया था, इसके अलावा वो महेंद्र को इज बी कंसिडर द किंग ऑफ हेवंस, इज बीन कंसिडर द गॉड ऑफ लाइटनिंग, इज दी बीन कंसिडर द गॉड ऑफ किंग ऑफ गॉड्स, इज बीन कंसिडर द किंग ऑफ थंडर, रेन, रिवर फ्लो, रॉयलिटी, लग्जरी का कारक, राशिक राशिक परिवार, राशिकता का कारक, महेंद्र की देवता फील, राशिक हर प्रकार से, राशिक लग्जरी, कंफर्ट, विलासिता, ठीक, ये सब चीजें राशिकता की पहचान है। इसका कारक महेंद्र की देवता फील। महेंद्र एक पावर है, महेंद्र एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का भी काम भी करते हैं क्योंकि वो राजा है, राजा प्रोटेक्टर भी होता है, तो महेंद्र एक पावर भी है, प्रोटेक्टर भी है। महेंद्र जो है एक दाता है, दाता भी माना जाता है महेंद्र को, ठीक है। महेंद्र जो है एक एक नृत्य नाट्य के जो मतलब इट्स लाइक ए प्रमोटर ऑफ नृत्य एंड नाट्य, क्या बोलते हैं उसको, इट्स लाइक प्रमोटर ऑफ दी, वो जो गाना बजाना नृत्य नाटक जो होता है उसका प्रमोटर भी महेंद्र को माना जाता है, ठीक है। एंड महेंद्र एक महेंद्र का जो एक रूप है ना वो एक चालाक रूप भी है, क्योंकि महेंद्र के अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो अपनी चालाक या अपने कनिंग एटीट्यूड से किसी भी चीज में विजय प्राप्त करने की दिलचस्पी रखते हैं इन एनी वे। आई मीन ही इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड एज आई सेड अर्लियर, सो ही इज ऑल्सो कैरिंग दी कनिंग एटीट्यूड काइंड ऑफ एक्टिविटी वेयर ही इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग या चालाक तरीके से अपनी हर चीज को पाना चाहते हैं महेंद्र। महेंद्र को एक पावरफुल हीरो के तरीके से डिनोट किया जाता है। महेंद्र की कुछ विशेषता ऐसी भी है जो कि उनको एक विलासिता में, एडल्टेरियस एक्टिविटी में, सुखवादी या अभिचारी तरीके से या ड्रंकन एक्टिविटी के अंदर लिप्त होने वाली एक्टिविटी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से इंसान का नेम फेम भी खराब होता है या उससे डिफेम भी होता है, लग्जरी में भी कमी आती है। तो अत्यंत ज्यादा अगर ये देवता फील्ड अगर स्ट्रांग बन जाती है तो इंसान में ऐसा एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है जो एरोगेंट होता है, जो कभी किसी की सुनता नहीं है, हर समय अपनी करता है, और उसकी वजह से इंसान व्यभिचारी हो जाता है और विलासिता इन सब चीजों में फंस जाता है, जिसकी वजह से फिर वो लग्जरी नेम फेम डीफेम का अधिकारी बनता है। महेंद्र जो है एक रॉयलिटी है, महेंद्र एक क्योंकि रॉयल है, राशिक कारक है ना, तो रॉयल है। महेंद्र एक पावर है, महेंद्र जो है एक डिटरमेंटल एक्स पावर है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि किसी डिसीजन को लेने में, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, महत्वपूर्ण कार्य करने में डिटरमाइंड है। महेंद्र एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है। महेंद्र जो है एक करेज है, महेंद्र एक स्ट्रेंथ है, महेंद्र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महेंद्र अपने अपने वीडियो ऑन के साथ में, महेंद्र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महेंद्र जो है एक ऐसा माना गया कि महेंद्र को ही रिप्रेजेंट द कॉस्मिक लाइफ, ही ट्रांसमिट टू दी अर्थ थ्रू रेन्स, ठीक है, ऐसा माना गया। क्योंकि महेंद्र को अगर आप देखोगे तो महेंद्र जो है प्राण ऊर्जा भी है, क्योंकि सूर्य की जो जोन है वो प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, तो कॉस्मिक लाइफ यानी कि ब्राह्मणीय शक्ति, ब्राह्मणीय लाइफ, क्योंकि यही शक्ति हम ऊर्जा प्रदान करती है, प्राण ऊर्जा प्रदान करती है, और यहाँ से पानी का जब बारिश होती है तो जो अर्थ को मिलता है उससे अर्थ की सिंचाई होती है, जिससे अर्थ पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का कल्याण भी होता है। महेंद्र जो है एक महेंद्र को माना जाता है वीर्य की पावर, मतलब इंसान इंसानी फ्लूइड वीर्य, तो वो पावर भी जो प्राणियों में जो वीर्य है उसकी पावर भी महेंद्र को माना जाता है, कि महेंद्र जो है इसे प्राण ऊर्जा प्लस विलासिता दोनों है, तो महेंद्र को प्राणियों में वीर्य की पावर भी माना गया, शक्ति भी माना गया। महेंद्र को सभी देवताओं के साथ मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि इट्स लाइक मतलब इट्स अ समूह ऑफ देवता, इट्स अ समूह ऑफ देवता को यहाँ पे हम डिनोट कर लेते हैं अपने लिए, समूह ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल से हम इसको
अपने लिए डिनोट कर लेते हैं। महेंद्र जो है हमेशा यंग रहने वाला एक डेटा फील्ड है, जिसमें एक हमेशा एक खुद के अंदर एक यू नो रिजुविनेट्स वाली एक्टिविटी हमेशा रहती है, जो अपने आप को एक मतलब एक प्रकार से युवा अवस्था में चलाती रहती है लगातार। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में भी महेंद्र को जो है एक द गॉड ऑफ थंडर, द गॉड ऑफ रेन्स, द गॉड ऑफ हेवंस माना गया है। इट्स ए ग्रेट वॉरियर के नाम से भी इसको डिनोट किया गया है। महेंद्र एक पावरफुल वैदिक देवता फील्ड है। महेंद्र जो है महेंद्र की देवता फील्ड को अगर हम ऐसे देखें कि महेंद्र इज द देवता फील्ड हु किल्स द असुर, जिसका नाम था वरित्रा। तो उसको जिसको महेंद्र ने एक पावरफुल असुर नामक वृत्रा का भी वध किया था, जो कि ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस में बाधा बन गए थे। वो असुर का महेंद्र ने वध किया था क्योंकि इस असुर ने लोगों के लिए बारिश सूर्य को रोक दिया था, विच एक्चुअली ब्लॉक दी रेन्स एंड सनशाइन टू दी मैनकाइंड। तो जो बाधा बन गए थे उनकी उत्पत्ति में महेंद्र ने उसके लिए उसका वध किया था, ऐसा माना गया है। महेंद्र की देवता फील्ड पे अगर गेट आ जाता है तो दिस गेट इज वेरी पावरफुल, वेरी गुड गेट। इट्स ए एंजॉयमेंट फॉर ए गुड लाइफ, फॉर सक्सेस, फॉर एसोसिएशन, फॉर हाई स्टेटस, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर कंफर्ट, फॉर सोशल कनेक्टिविटी, फॉर गेन्स। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग गेट। महेंद्र की देवता फील्ड पे अगर गेट आ जाता है, थोड़ा सा महेंद्र और जयंत मैं थोड़ा कंपैरिजन बताता हूँ। जयंत टीचेस मैनुपुलेशन, महेंद्र टीचेस मैनुपुलेशन ऑन मेजर लेवल, मतलब छोटी छोटी चीजों की मैनुपुलेशन जयंत, बड़ा सा चीजों पे काम कर महेंद्र, विशाल समूह, विशालता महेंद्र, छोटा छोटा चीजें, छोटा छोटा पॉलिसीज, छोटा छोटा षड्यंत्र या स्ट्रेटजीज, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज वो जयंत, बड़ी स्ट्रेटजीज बड़े लोग ज्यादा लोग, बड़ा समूह, बड़ा आकार, एक पूरी संस्था वो महेंद्र, बिग स्ट्रेटजीज, बिग रिफॉर्म्स, बिग रिफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज महेंद्र की देवता फील्ड। महेंद्र की देवता फील्ड जयंत की देवता फील्ड जो एक कंसल्टेंट की तरह काम करती है, जो अपनी जगह से काम करती है, अपनी जगह पे बैठ के काम करती है, वहीं पे महेंद्र की जो देवता फील्ड है वो एक बिग गेम प्लेयर की तरह काम करती है। इट वर्क्स नॉट ओनली फ्रॉम दिस प्लेस, ही वर्क ऑल ओवर, ही वर्क फ्रॉम द यूनिवर्स। That kind of the difference between Mahendra and Jayant. Jayant की देवता फील्ड एक दुनियावी सक्सेस के लिए जहाँ इम्पोर्टेंट मानी आती है, वहीं पे Mahendra की देवता फील्ड एक पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन या एक एम्बिशियस मतलब अपनी अचीवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट मानी आती है, जहाँ पे Mahendra की देवता फील्ड यहाँ पे हाई स्टेटस लग्जरी इन सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण मानी आती है Mahendra की देवता फील्ड। महेंद्र की जो देवता फील्ड है वो इज बीन कंसिडर एज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइन। ट्राइन कौन है? हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वैदिक पुराण में महेंद्र की देवता फील्ड को ट्राइन की इम्पोर्टेंस से भी कंसिडर किया गया, उससे रिलेट किया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उनको रिलेट किया गया है महेंद्र की देवता फील्ड को। महेंद्र की देवता फील्ड इस और इसके एट्रीब्यूट के अंदर दीज आर जो मैंने आपको बताया। महेंद्र की देवता फील्ड अगर बैलेंस खराब करती है घर का, तो वहां के लोग जो है एरोगेंट हो जाते हैं या उनमें एक कमांडिंग एटीट्यूड आ जाता है। अगर थोड़ी सी बड़ी ज्यादा एक्सटेंडेड होती है तो कमांडिंग एटीट्यूड या एरोगेंसी उनमें आ जाती है। यही अगर महेंद्र की देवता फील्ड घर की अगर छोटी होती है तो
ऐसे घर घर में लोगों की कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, लोगों से कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, लोगों के सोशलिज्म बहुत वीक होता है। मेहनत की देवता फील्ड एक एम्बिशियस बनाने के लिए है, टॉप पे जाने के लिए देवता फील्ड है, लोगों को महत्वाकांक्षी बनाती है और विकास प्रदान करने वाली देवता फील्ड है। मेहनत की देवता फील्ड अगर अगर इम्बैलेंस होती है तो लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, जो विकास करने की जो जो उनमें गुण है, उनमें कमी आती है और उससे उनका जो ग्रोथ पावर है उसमें कमी आ जाती है। मेहनत की देवता फील्ड अगर अच्छी होती है, स्ट्रांग अगर बैलेंस होती है तो यहाँ पे रहने वाले लोग ग्राउंडेड होते हैं, यहाँ के महत्वाकांक्षी होते हैं लेकिन ग्राउंडेड होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं लेकिन ईगोलेस होते हैं, बहुत बड़ा नेतृत्व करते हैं लेकिन स्वयं पे अपना गुरूर नहीं दिखाते, मतलब अपना गुरूर को मेंटेन रखते हैं। मेहनत की देवता फील्ड अगर यहाँ पे गेट आ जाता है तो ऐसे में जो गेट तो मैंने बताया आपको, डोर इज वेरी गुड, लेकिन अगर कुछ एक्सेस चीजें एक्सेस एनर्जी हो जाती है यहाँ पे तो फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंसी बढ़ जाती है, फैमिली मेंबर्स में बहुत ज्यादा एरोगेंसी यहाँ से बढ़ जाती है। फिर मेहनत की देवता फील्ड के जो इम्बैलेंस होने के जो उसमें जो इफेक्ट आ सकते हैं वो आ सकते हैं, जैसे फैमिली का जो नाम है और स्टेटस है वो सोसाइटी में या तो डिजर्व नहीं करेगा अगर इम्बैलेंस है, या उनका नाम जो है ऐसा होगा जैसा कि एरोगेंट वाला नाम, या तो उनके कनेक्शन नहीं होंगे तो सोसाइटी में उनका नाम नहीं होगा, या डिफेम होगा एरोगेंट की तरफ से। फैमिली जो है वो एक क्लास अब क्लास सोसाइटी जो कंसिडरेशन होती है वो कंसिडरेशन नहीं हो पाती है, यहाँ से जो है बच्चों की शादी में भी विलंब दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों की शादियों के लिए लोगों का कनेक्टिविटी जुड़ी होती है, तो यहाँ से अगर दिक्कत आती है देवता फील्ड में तो उस घर में बच्चे की शादियों में भी दिक्कत आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ से अगर अगर देवता फील्ड में गड़बड़ होती है तो नॉर्मली ऐसी फैमिली जो एक ऑर्डिनरी फैमिली के रूप में ही देखी जाती है, मान सम्मान कनेक्शन जो है वहां से वीक हो जाता है। अगर ऐसे ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं अगर वो जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, अगर ये देवता फील्ड स्ट्रांग बन जाती है तो ऐसे घर के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी वो हेड बॉय हेड गर्ल या कोई इंपॉर्टेंट रोल को अपना लेते हैं या फिर करते हैं। ये मतलब इट्स अ ड्यूल, इफ इट इज वीक देन इट बिकम वीक फॉर रिकॉग्नाइजेशन, इफ इट इज स्ट्रांग देन द बच्चे आल्सो गेट स्ट्रॉन्गर एंड दे गेट गुड रिकॉग्निशन इनटू देयर स्कूल एक्टिविटीज। मेहनत की देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड है जो एक सेलिब्रिटी रूप लेने के लिए, नेम फेम क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, लोगों समूह के साथ, सरकारी दफ्तर, सरकारी लोग, सरकारी अधिकारी, सरकारी वर्ग के साथ कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए, पॉलिटिक्स को बिल्ड करने के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बिल्ड करने के लिए, पॉलिटिक्स में कैरियर को बिल्ड करने के लिए, सरकारी महकमे में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग देवता फील्ड है, एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट देवता फील्ड। मेहनत की देवता फील्ड पे अशोका पिलर जो कि शेर का जो शेर का पत्ती है, जो जो अशोका स्तंभ अशोका पिलर को क्या बोलेंगे, मतलब हमारा नेशनल एम्बलम जो है यहाँ पे अगर लगाया जाता है तो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। यहाँ पे भगवान विष्णु की जो घोड़ों के ऊपर, सात घोड़ों के ऊपर, सात एलिफेंट टाइप जो सात घोड़ों पे जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है उसको भी यहाँ लगाने से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लिविंग रूम डाइनिंग रूम अगर बनाया जाए तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, स्टडी टेबल को पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ऑफिस टेबल यहाँ पे लगाई जा सकती है, इन सब चीजों का यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट देखा जाता है। मेहनत की देवता फील्ड में अगर वाटर आ जाता है तो वाटर जो है यहाँ की एनर्जी को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है, तो यहाँ पे वाटर की प्लेसमेंट की जा सकती है या फिर कोई वाटर का कोई नल का कुछ या बाथरूम जैसे कोई एक्टिविटी, क्या कोई वाटर की प्लेसमेंट इज ए गुड फ्लोइंग वाटर इज ए गुड एक्टिविटी है, इट्स ए फ्लोइंग वाटर, इट इज नॉट द खराब ऑफ वाटर विच डजंट मीन की ओवर अ टैंक बन जाए, विच मीन्स की एक वाटर का सूत्र बन जाए, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो वहां का एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है। महेंद्र जो है एयर है, महेंद्र की देवता फील्ड एक एट्रीब्यूट ऑफ एयर है जो फ्लो है, जो कि कंटिन्यूस एक एनर्जी क्रिएट करने वाला, लगातार चलने वाला है, वहां पे कोई भी स्टोरेज ऐसी प्रकार की जो डेड एक्टिविटी है
वो डेट एक्टिविटी इस डेल्टा फील्ड के अंदर कमी लेके आएगी और यहाँ पर नुकसान पैदा करेगी। महेंद्र जो बनता है वर्ड महा प्लस इंद्र, इंद्र हमारी सेंसेस, महा इंद्र, तो महेंद्र को महेंद्र भी बोला जाता है, महेंद्र के नाम से बोला जाता है। तो महेंद्र जो है हमारी फाइव सेंसेस हैं, हमारी फाइव सेंसेस को डिनोट करता है। हमारे अंदर जो एक प्लेजर की, एक प्लेजर की सेंसेस हैं, उन सबको महेंद्र की देवता फील्ड डिनोट करती है। तो अगर यहाँ पे ये देवता फील्ड वीक होती है तो आप ही समझे कि वो जो सेंसेस के अंदर है वो इंसान की सोचने समझने की शक्ति या खुशी के मिजाज की शक्ति में भी कमी आती है। ऐसे में महेंद्र की जो देवता फील्ड है, महेंद्र की जो देवता फील्ड है इस मतलब इट्स एनर्जी फील्ड विच इज एनर्जी ऑफ द ट्रुथ, ठीक है। क्योंकि सूर्य की एनर्जी फील्ड क्या है, सूर्य महेंद्र को सूर्य से भी डिनोट किया जाता है, तो सूर्य की एनर्जी फील्ड क्या है, ट्रुथ, जो सच्चाई है, ठीक है। दैट इज द एनर्जी फील्ड इट रिलेट्स टू महेंद्र की देवता फील्ड। महेंद्र की देवता फील्ड के जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर्स हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, इट इज अ ग्रेट एसोसिएशन, इट्स अ पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ लग्जरी, इट्स अ मनी, इट्स अ जोन, इफ इट इज बैलेंस गिव्स अ वंडरफुल रिजल्ट्स। बैलेंस अगर इसके साथ वरुण और यम की देवता फील्ड भी बैलेंस हो जाती है तो ऐसे घर की जो देवता फील्ड बैलेंस होने के बाद वरुण की देवता फील्ड एग्जैक्टली महेंद्र की अपोजिट देवता फील्ड होती है और यम की देवता फील्ड एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होती है वरुण महेंद्र के। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री की ये तीन देवता फील्ड अगर बैलेंस हो जाती है, इट इज ए हाउस ऑफ वंडरफुल हाउस, इट उस घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी की और करेक्शंस की, ओवरऑल ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, उसके अंदर उस घर में कमी नहीं आती, क्योंकि ये तीनों देवता फील्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट देवता फील्ड, राइट। महेंद्र की देवता फील्ड पे टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। महेंद्र की देवता फील्ड पे शनि की चीजें नुकसानदायक हैं, ब्लैक चीजें नुकसानदायक हैं महेंद्र की देवता फील्ड पे। महेंद्र की देवता फील्ड के ऊपर अगर गेट आ जाता है, तो गेट का मैंने आपको एट्रीब्यूट बता ही दिया, गेट का, इट्स ए पावरफुल गेट, कभी भी इस गेट को बंद नहीं करना, ऑलवेज कीप इट ओपन, बिकॉज दिस गेट गिव्स अस मॉनेटरी बेनिफिट, दिस गेट गिव्स अस कनेक्टिविटी विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल। अगर महेंद्र की देवता फील्ड के ऊपर कोई भी इनकरेक्ट एक्टिविटी आती है, तो जैसे वहां पे जो कलर को एनहांस करने वाला कलर है वो है ब्लू, ब्लू के साथ एल्युमिनियम एंड सिल्वर, वहां पे सब कलर है ग्रीन एंड ब्राउन, जिसके साथ टिन, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। यहाँ का सब कलर, यहाँ का जो डिस्ट्रक्टिव कलर है वो या एग्जॉस्ट कलर है वहां का, यहाँ का रेड कलर एग्जॉस्ट कलर है, जो कॉपर उसके साथ यूज किया जाता है। यहाँ का डिस्ट्रक्टिव कलर जो है वो व्हाइट है, जिसमें आयरन इसके साथ यूज किया जाता है। इस महेंद्र की देवता फील्ड के ऊपर राम दरबार, लक्ष्मी, विष्णु का दरबार, ठीक है, ये एक पूजनीय स्थान अगर बनाया जाए तो राम दरबार, क्योंकि सूर्य, क्योंकि राम जी जो है सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी, तो यहाँ पे राम दरबार, लक्ष्मी विष्णु का दरबार यहाँ पे बनाया जा सकता है, अगर पूजनीय स्थल बनाया जाए। तो ड्राइंग रूम की एक्टिविटीज आइडियल एक्टिविटी है, रेक्टेंगुलर ओवल इसका शेप माना जाता है इस देवता फील्ड का। इस देवता फील्ड के ऊपर अगर किसी प्रकार की इम्बैलेंस एक्टिविटी, किसी प्रकार की इम्बैलेंस एक्टिविटी में अगर टॉयलेट आ जाता है तो एब्सोल्यूट नो है यहाँ पे, लेकिन अगर आ भी जाता है फिर भी तो ग्रीन ब्राउन कलर से या सिल्वर और स्टेनलेस स्टील से इसको ट्रीट किया जाए, ठीक। और यहाँ पे अगर किचन आ जाती है तो किचन के नीचे ग्रीन कलर का लगाया जाए, यहाँ पे अगर सेफ्टी टैंक आ जाता है, जो कि मना है एब्सोल्यूट, बट आ जाता है तो उसको ग्रीन ब्राउन कलर स्टेनलेस स्टील से ट्रीट किया जाए इस जगह को। और यहाँ पे ओवर टैंक भी मना है इस देवता फील्ड में, अगेन आ जाता है तो इसको भी ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन टीन स्टेनलेस स्टील से ट्रीट किया जाए। यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक इज ओके, इज परमिटेबल है इस देवता फील्ड पे। इस देवता फील्ड के ऊपर गेट मैंने शायद बता ही दिया आपको, और बाकी क्या रह गया, बाकी अच्छा, महेंद्र की देवता फील्ड को अल्टरनेटली इंद्र की देवता फील्ड या सुरेंद्र की देवता फील्ड भी बोला जाता है। महेंद्र की देवता फील्ड को, महेंद्र की देवता फील्ड का जो प्लैनेट है वो शुक्र है, शुक्र इसका प्लैनेट है, एडमिनिस्ट्रेटर इसका एट्रीब्यूट है, और
इसका जो रोल है वो किंग की तरह है, टॉप बॉस की तरह है। मतलब ये कि अगर आपके घर का में, अगर आपके ऑफिस में कोई सीईओ है जिसको आपको कमांडर बनाना है, ऐसा व्यक्ति जिसको कि आप समझते हो कि वो लीडर है, जिसको संस्था को चलाना है, संस्था का कार्यकर्ता है, संस्था का चालक है, उसको इस देवता फील्ड में बिठा दो, इस देवता फील्ड में बिठा दो ताकि वो पूरे संस्था को एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाए। क्योंकि द मैन दैट इज अ किंग, मैन दैट इज अ किंग ऑफ गॉड, इज अ कंट्रोलर, इज अ कंट्रोलर ऑफ ब्रह्मांड। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो देवता फील्ड में बैठ के कंट्रोल करेगा, इट्स अ कंट्रोलर, इट्स अ लियो लीडर, इट्स अ सीईओ, सीईओ की पोजीशन उस देवता फील्ड में बिठा दो इसको। मेहनत की देवता फील्ड पे अगर कॉमर्शियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ का गेट सबसे पावरफुल गेट है किसी भी संस्थान के लिए, इसके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। लोगों का घर, लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनते हैं, लोगों के साथ दायरे में लोग नहीं है, बिजनेस के लिए लोग नहीं मिलते, लोगों के साथ समूह नहीं बनता, पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल कैरियर नहीं बनता, लोगों का सरकार से काम नहीं बनता। इस देवता फील्ड को चेक करो, इस देवता फील्ड को एनर्जाइज करो, इस देवता फील्ड को कनेक्ट करो ताकि वो काम सारे बनने शुरू हो जाए। इस देवता फील्ड की जो ग्रॉसरी है वो इलायची, इलायची इस देवता फील्ड पे यूज करी जा सकती है। ये देवता फील्ड समाप्त हुई। मेहनत की देवता फील्ड हमारी थी E4।